दृष्टि इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख द लॉन्ग मार्च टू द महामस्तकाभिषेक आधारित है इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र एक के कला एवं संस्कृति खंड से जुड़ा हुआ है तो आइए लेख की शुरुआत करें जैन धर्म का महामस्तकाभिषेक फरवरी दो में जैन धर्म के प्रमुख पर्व महामस्तकाभिषेक का, का आयोजन कर्नाटक के हासन जिले के श्रवण बेलगोला में किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जर्मन तकनीक पर आधारित मंच से लाखों लोगों ने भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक किया यह महामस्तकाभिषेक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दशकों में पहली बार किसी महिला ने महामस्तकाभिषेक का नेतृत्व किया है ये महिला सरिता जैन हैं, जो कि दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र की अध्यक्ष हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि महामस्तकाभिषेक क्या है यह जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो प्रत्येक 12 साल के बाद कर्नाटक के श्रवण बेलगोल में आयोजित किया जाता है यहाँ पर गोमतेश्वर बाहुबली की एकाश्म अर्थात एक ही चट्टान से निर्मित मूर्ति स्थापित है यह मूर्ति अंठावन फीट लंबी है यह प्रतिमा विंध्यागिरी पहाड़ी पर है प्राचीन मान्यता के अनुसार इस प्रतिमा का निर्माण गंग शासक रचमल्ल के मंत्री चामुंडा राय के द्वारा कराया गया था अब जैन धर्म के कुछ अन्य प्रमुख पर्वों पर चर्चा करते हैं महावीर जयंती यह पर्व जैन समुदाय अपने चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म के उपलक्ष्य में मनाता है पर्यूषण पर्व यह पर्व मुख्यतः मानव की आत्मा को शुद्ध करने आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार एवं सर्वधर्म सद्भाव अहिंसा आदि मूल्यों को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए मनाया जाता है दशलक्षण पर्व यह पर्व संयम एवं आत्मशुद्धि के लिए मनाया जाता है संयम एवं आत्मशुद्धि के लिए लोग व्रत उपवास रखते हैं पंच कल्याणक पर्व इस पर्व का मुख्य उद्देश्य जैन तीर्थंकरों के संदेश लोगों तक पहुँचाना है दीप मालिका पर्व यह पर्व महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के रूप में मनाया जाता है आइए अब जैन धर्म के उदय पर चर्चा करते हैं वैदिक समाज चार वर्णों में विभाजित था हर वर्ण के कर्तव्य अलग अलग निर्धारित थे जिसमें ब्राह्मण एवं क्षत्रियों को विशेषाधिकार प्राप्त थे वैश्य खेती एवं पशुपालन करते थे शूद्रों का कर्तव्य ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना था यह स्वाभाविक ही था कि इस तरह के वर्ण विभाजन वाले समाज में तनाव पैदा हो ब्राह्मणों को प्राप्त विशेष अधिकारों पर क्षत्रिय आपत्ति करते थे ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना जैन धर्म के उदय का एक कारण बना आपको बता दें कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी क्षत्रिय थे इसके अलावा जैन धर्म के उद्भव के कुछ यथार्थ कारण इस तरह हैं सिक्कों के प्रचलन से व्यापार बढ़ा जिससे वैश्यों की स्थिति सुधरी अब वे सामाजिक प्रतिष्ठा भी चाहते थे ब्राह्मणों द्वारा सूदखोरी की निंदा की जाती थी इसलिए वैश्य किसी ऐसे धर्म को अपनाना चाहते थे जहां वे सम्मान पा सकें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशुओं की आवश्यकता थी वैदिक व्यवस्था में पशुओं की बलि दी जाती थी जबकि जैन धर्म अहिंसा का समर्थन करता है यह भी एक कारण था कि लोग जैन धर्म के प्रति आकर्षित हुए आइए अब आपको बताते हैं कि महावीर स्वामी कौन थे महावीर स्वामी का ठीक ठीक समय निश्चित करना संभव नहीं है क्योंकि जैन धर्म को मानने वाले महावीर स्वामी से पहले तेईस और तीर्थंकरों को मान्यता देते हैं जो कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित थे तथ्यों के अनुसार मध्य गंगा के मैदान का कोई भी भाग ईसा पूर्व छठी सदी से पहले आबाद नहीं हुआ था एक मान्यता के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के पास किसी गांव में हुआ था आरंभ में महावीर स्वामी गृहस्थ जीवन में थे बाद में वे तीस वर्ष की अवस्था में घर को छोड़कर सन्यासी हो गए ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी बारह साल की लंबी यात्रा के दौरान एक बार भी वस्त्र नहीं बदले जबकि कैवल्य अर्थात ज्ञान प्राप्त होते ही उन्होंने वस्त्र का एकदम त्याग कर दिया कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की इसी कारण वे महावीर अर्थात महान शूरवीर या जैन अर्थात विजेता कहलाए और उनके द्वारा चलाए गए धर्म को मानने वाले जैन कहलाते हैं आगे चलकर जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हुआ श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले और दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले श्वेतांबर संप्रदाय की कुछ प्रमुख शाखाएं मंदिर मार्गी एवं स्थानकवासी इत्यादि हैं। दिगंबर संप्रदाय की कुछ प्रमुख शाखाएं तेरापंथी पंथी पंथी तारणपंथी तोतापंथी इत्यादि हैं आइए अब जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा करें जैन धर्म के पांच व्रत हैं। अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करना अमृषा अर्थात झूठ नहीं बोलना अचौर्य अर्थात चोरी नहीं करना अपरिग्रह अर्थात संपत्ति अर्जित नहीं करना ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों पर संयम रखना जैन भिक्षुओं के लिए इन सभी व्रतों का कठोरता से पालन करने की अपेक्षा की जाती है तब इन्हें महाव्रत कहा जाता है वहीं गृहस्थों के लिए इन व्रतों की कठोरता को कम किया गया है तब इन्हें अड़ुव्रत कहा जाता है एक मान्यता के अनुसार महावीर ने इसमें केवल पांचवा व्रत जोड़ा चार व्रत पहले से चले आ रहे थे जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को न सताने के व्रत को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है आइए अब जैन धर्म की प्रमुख विशेषताओं पर बात करते हैं जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है पर उनका स्थान जिन अर्थात महावीर से नीचे रखा गया है जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की है बल्कि यह माना कि पिछले जन्म में अर्जित पुण्य और पाप के आधार पर ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है जैन धर्म के अनुसार अच्छे आचरण वाले निम्न जाति के लोग भी मोक्ष पा सकते हैं जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है क्योंकि दोनों में ही जीवों की हिंसा होती है यही कारण है कि जैन धर्म में व्यापार और वाणिज्य करने वालों की संख्या अधिक हो गई जैन दर्शन वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है अब बताते हैं आपको कि जैन धर्म के प्रमुख दर्शन कौन कौन से हैं अनेकांतवाद इस सिद्धांत के अनुसार संसार में अनेक वस्तुएं हैं इनमें से हर वस्तु का अपना धर्म है इस सिद्धांत को अनेकांतवाद कहते हैं इसे कुछ इस तरह समझें कि वस्तु के धर्मों को ही वस्तु के गुण कहते हैं इसमें से कुछ अनिवार्य गुण होते हैं जिन्हें वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता वहीं कुछ गुण आगंतुक अथवा मेहमान गुण होते हैं जो आते जाते रहते हैं हर मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि वह संसार की सारी वस्तुओं के गुणों को समझ सके यदि वह समझ लेता है तो वह सर्वज्ञ कहलाता है जैन धर्म के अनुसार वह कैवल्य को प्राप्त कर लेता है स्यादवाद जैन धर्म के अनेकांतवाद सिद्धांत में जब तार्किकता सम्मिलित होती है तो यह स्यादवाद कहलाता है यहाँ स्याद का अर्थ सापेक्षता है इस सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति सत्य को अपने अनुसार समझता है लेकिन उसके द्वारा समझा हुआ सच दूसरे व्यक्ति का सच नहीं हो सकता इसे अंधे और हाथी की कहानी से समझने का प्रयास करते हैं एक अंधे ने हाथी के पैर को छूकर कहा कि हाथी खंभे के समान है दूसरे ने कान को छूकर कहा कि हाथी सूप के समान है और तीसरे ने पूंछ को छूकर कहा कि हाथी रस्सी के समान है हर एक का कथन आंशिक रूप से सत्य है लेकिन संपूर्ण रूप से असत्य है इसके अलावा जैन धर्म के त्रिरत्न भी हैं जैन धर्म के अनुसार कैवल्य की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का पालन करना आवश्यक है ये त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन अर्थात जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था एवं विश्वास करना सम्यक ज्ञान अर्थात सभी जैन सिद्धांतों का यथार्थ ज्ञान होना सम्यक आचरण अर्थात जैन सिद्धांतों एवं नियमों के अनुरूप आचरण करना अब बात करते हैं जैन धर्म की विवादित संथारा प्रथा के बारे में संथारा प्रथा को पंडित मरण संलेखना एवं सकाम मरण आदि नामों से भी जाना जाता है संथारा की शुरुआत जैन धर्म के उदय के साथ ही मानी जाती है जैन साहित्य आगम में इस प्रथा का वर्णन है इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने इच्छा से भोजन एवं जल का त्याग कर देता है जल एवं भोजन का त्याग उसके शरीर को कमजोर कर देता है और व्यक्ति अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जैनों द्वारा इस प्रक्रिया को आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है इसे गुरु की आज्ञा द्वारा एक अनुष्ठान के तहत किया जाता है यह धर्मशास्त्र की अनुमति एवं समाज की सहमति से किया जाता है प्राचीन जैन मान्यता के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी प्रथा से मृत्यु को अपनाया था गौरतलब है कि श्वेतांबर जैन इस प्रथा को संथारा वहीं दिगंबर जैन इसे संलेखना कहते हैं आइए अब जानते हैं कि संथारा प्रथा को लेकर विवाद क्या है संथारा प्रथा पर विवाद साल 2006 से है राजस्थान के वकील निखिल सोनी ने राजस्थान हाई कोर्ट में पीआईएल दायर कर संथारा प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने की मांग की राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में इस पर रोक भी लगा दी दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे गैरकानूनी बताते हुए आईपीसी की धारा 306 तथा 309 के तहत दंडनीय बताया था अदालत ने कहा था कि यह जैन धर्म का आवश्यक अंग नहीं है यह जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है बाद में इसी केस में 2015 में वकील पीसी भंडारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने की मांग की याचिका में तर्क था कि जैन समाज की संथारा प्रथा आत्महत्या से अलग है संथारा आत्मा की शुद्धि एवं संयम से लिया गया निर्णय है वहीं आत्महत्या क्रोध एवं दुख में लिया गया निर्णय होता है सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में संथारा प्रथा से बैन हटा लिया सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट द्वारा निर्णय जैन विद्वानों की सहमति से नहीं लिया गया था आइए अब वो कारण जानते हैं जिनसे जैन धर्म का पतन हुआ यदि जैन धर्म के पतन के कारणों पर चर्चा करें तो सबसे पहला कारण है इस धर्म को राजाओं का अधिक समर्थन न मिलना दूसरा कारण है जैन धर्म में अहिंसा चरम स्थिति में थी जिससे लोगों को इसे अपनाने में असुविधा हुई तीसरा कारण है कि आरंभ में यह धर्म उतनी तेजी से नहीं फैल सका जैन धर्म के महत्व एवं योगदान पर चर्चा करें तो जैन धर्म ने सबसे पहले वैदिक समाज की बुराइयों को हटाने के लिए गंभीर प्रयास किया मसलन पशु बलि जातिगत भेदभाव इत्यादि को हटाने के लिए जैनों ने ब्राह्मणों द्वारा प्रयोग की जा रही संस्कृत भाषा के बजाय आम लोगों की बोलचाल की भाषा प्राकृत को अपनाया जिससे लोगों की पहुंच साहित्य तक संभव हो सकी आरंभ में जैन लोग मूर्ति पूजक नहीं थे लेकिन बाद में उन्होंने तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की और विशाल मंदिर एवं मूर्तियों का निर्माण करवाया जिससे स्थापत्य कला का विकास हुआ यदि वर्तमान समय में जैन दर्शन के महत्व पर विचार करें तो आज के समय में प्रदूषण एक प्रमुख समस्या है यदि जैन धर्म के विचारों का पालन करें तो जैन दर्शन पेड़ पौधों में भी जीवों की सत्ता को स्वीकार करता है और इस कारण यह पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना भी हिंसा मानता है आज मानव पूजा खासकर भारत के संदर्भ में अंधविश्वास का एक प्रमुख कारण है वहीं जैन दर्शन स्वयं को भाग्य निर्माता मानता है जीवों को सहज रूप से अनंत ज्ञान से युक्त मानता है जैन दर्शन यह भी कहता है कि तीर्थंकरों की पूजा से स्वर्ग आनंद की कल्पना की जा सकती है लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता निर्वाण तभी संभव है जब स्वयं का ज्ञान प्राप्त हो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल सवाल है जैन धर्म के उदय महत्व एवं प्रमुख दर्शनों पर चर्चा कीजिए क्या आप मानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है इसलिए संथारा प्रथा के महत्व पर राज्य को दखल नहीं देना चाहिए